भारत 15 अगस्त 2023 को आजादी की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है। 15 अगस्त 1947 से लेकर अब तक भारत ने बहुत ज्यादा आर्थिक तरक्की की है। देश की इकोनॉमी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। फिलहाल अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की इकोनॉमी का साइज 3.75 ट्रिलियन डॉलर है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अनुमान है कि ये 2023-24 में 6.5% की दर से आगे बढ़ेगी, जिससे कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बन जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो हर सेक्टर, हर एक इंडस्ट्री और लोग भी काफी ग्रो करते हैं। ऐसे ही भारत की बढ़ती इकोनॉमी का असर टैक्स रेवेन्यू पर भी देखने को मिल रहा है। देश में जीएसटी टैक्स कलेक्शन के आंकड़े हर महीने नया रिकॉर्ड बना रहे हैं और अब 5वीं बार जीएसटी कलेक्शन 1.60 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। जी हां, जुलाई 2023 में कलेक्शन बढ़कर 1.65 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है और इससे पहले जून में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 1,61,497 करोड़ रुपए रहा। बता दें कि अलग अलग टैक्स के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया था और तब से ही जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वित्त वर्ष 2017-18 में जीएसटी से होने वाली कमाई 7,19,078 करोड़ थी, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में ये बढ़कर 11,77,370 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। वित्त वर्ष 2019-20 में 12 लाख करोड़ के आसपास कमाई हुई तो वहीं वित्त वर्ष 2020-21 में 11,36,000 करोड़ रुपए के आसपास और वहीं वित्त वर्ष 2021-22 में 14,76,000 करोड़ रुपए जीएसटी टैक्स कलेक्शन से सरकार को प्राप्त हुए हैं। और सिर्फ जीएसटी ही नहीं, इसके साथ ही इनकम टैक्स फाइलिंग के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी हुई है और उन्होंने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार असेसमेंट ईयर 2023-24 या फिर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 31 जुलाई 2023 तक 6.77 करोड़ लोगों ने आईटीआर जमा किया है, जिसमें पहली बार आईटीआर फाइल करने वाले लोगों की संख्या 53.67 लाख रही। और अगर इसकी तुलना पिछले साल से करें तो फिर उसके मुकाबले असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 16.1% ज्यादा आईटीआर फाइल किए गए हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि देश में 1 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाले लोगों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है और अब जब इतनी बड़ी संख्या में लोग सरकार को टैक्स दे रहे हैं तो सरकार के खजाने में भी तो पैसे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, जिससे कि टैक्स कलेक्शन में भी बढ़ोतरी तो होगी ही। जी हाँ, इनकम टैक्स की वेबसाइट के मुताबिक 2000 से 2001 में सरकार का कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 68,000 करोड़ रुपए रहा, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 14,12,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वहीं अगर बात डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की करें तो अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन भी पिछले 23 सालों में तेजी से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2000 से 2001 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कुल जमा हुए टैक्स का 36.31% था, जो कि अब 52.27% पर पहुंच गया है। बता दें कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स और अन्य डायरेक्ट टैक्स को शामिल किया जाता है। हालांकि इसमें पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन के आंकड़े काफी बड़े हैं। आईटी डिपार्टमेंट की वेबसाइट के मुताबिक 2000 से 2001 में पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन 31,764 करोड़ रुपए था, जो कि 2021-22 में बढ़कर 6,96,604 करोड़ रुपए हो गया। इस बढ़ते टैक्स कलेक्शन के साथ एक बात तो साफ है कि देश के लोग तरक्की में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं और जब देश में सरकार के पास टैक्स ज्यादा होता है तो विकास के कामों में, जैसे कि रोड बनाना, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना या फिर लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करना, इन सब में ज्यादा पैसा सरकार के पास मौजूद होता है, जिससे कि विकास का काम और तेजी से आगे बढ़ पाता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, आप सभी को हमारी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।